Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read 7th lesson of 3rd class. The lesson name is Tom and Jerry Adventures. It is an interesting story about Tom and Jerry. The first part of this lesson we have already discussed in last video. Today we are going to read the second part of this lesson. तो इस लेसन में जो बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों की डे बाय डे की कुछ ना कुछ घटनाएं जो वो यहाँ पर दी गई हैं तो आज भी ऐसे ही कुछ होता है वो एक दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं. टॉम टुक अ नाइफ एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू चॉप जेरी. जैसे ही टॉम अपने हाथ में नाइफ उठाता है और जो जेरी है उसको चॉप चॉप मीन्स काटना उसको काटने की कोशिश करता है. He suggested Tom that he should first cook the gravy and then chop him. तो जो जेरी है टॉम को सजेशन देता है यानी कि उसको सुझाव देता है कि पहले वो ग्रेवी को पकाए उसके बाद उसको काटे. टॉम न्यू जेरी वॉज क्लेवर. टॉम जानता था कि जो जेरी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है. शो टू इंश्योर दैट जेरी डिड नॉट रन ऑफ ही रैप्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड हिम. रैप्ड होता है लपेटना. तो इस चीज़ को इंश्योर होता है विश्वास. तो विश्वास दिलाने के लिए वो क्या करता है कि भी कहीं ये भाग ना जाए उसको एक कपड़े में ऐसे लपेट के रख देता है. टॉम अरेंज्ड द यूटेंसियल एंड स्टार्ट कुकिंग ग्रेवी. तो फिर टॉम क्या करता है कि जो उसके बर्तन है यूटेंसियल मीन्स बर्तन उनको अरेंजमेंट में लेके आता है और अपनी जो ग्रेवी है उसको पकाना स्टार्ट कर देता है. ही वॉज बिजी सिंगिंग एंड कुकिंग. तो जब वो ग्रेवी को कुक करता है तो उस टाइम वो सिंगिंग और सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है. जेरी मेनवाइल वॉज रैकिंग हिज ब्रेन्स. ही स्माइल्ड देन एंड स्टार्ट टीरिंग द क्लॉथ विद नाइफ लाइक टीथ. जैसे ही टॉम है जो आपकी ग्रेवी है जो उसको पकाता है तो जेरी के मन में एक वो आइडिया आता है. ही स्माइल्ड वो स्माइल करता है और अपना जो क्लॉथ से वो लपेटा गया होता है उसको जैसे उसके नाइफ जैसे टीथ है उनसे वो टीरिंग मीन्स काटना वो स्टार्ट कर देता है. एंड ही सून वॉज फ्री एंड रन ऑफ टू हिज होल. तो जल्दी वो वहाँ से फ्री हो जाता है और अपने होल में भाग जाता है. व्हेन टॉम फिनिश्ड मेकिंग ग्रेवी. जब टॉम फ्री होता है अपनी ग्रेवी को तैयार करके ही वुड नॉट फाइंड जेरी. तो वो जेरी को वहाँ नहीं पाता. सो ही रिमोर्सफुल. रिमोर्सफुल मीन्स पछतावा. तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है. लाइफ वेंट ऑन. ऐसे उनकी लाइफ चलती है. इट वॉज अ संडे इवनिंग. तो आगे जो उनके बारे में एक इंसिडेंट दी गई है वो एक संडे इवनिंग की है. टॉम वाज चेसिंग जेरी लाइक द यूजुअल टाइम. चेसिंग होता है पीछा करना किसी का. तो टॉम जेरी का पीछा करता है जैसे वो हर यूजुअल मीन्स आमतौर पे जैसे वो करते हैं. जेरी वुड स्लीप इनटू नैरो स्पेस एट बॉटम ऑफ वॉल्स और अंडर द सोफा एंड वुड एवरी टाइम गेट एस्केप्ड. तो जेरी क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव है वो थोड़ी सी जगह से भी स्लिप हो जाता है नीचे चला जाता है. कभी वॉल पे चढ़ जाता है कभी सोफे के नीचे चला जाता है और ऐसे वो टॉम से एस्केप्ड में बच जाता है. ही रन आउट ऑफ द होम. और घर से भाग जाता है. टॉम फॉलोड हिम. और टॉम ने उसका पीछा किया. जेरी वाज बींग एम्पिश. एम्पिश मीन्स शरारती. तो वो बहुत ज़्यादा शरारती है. सो ही रन टू नाइबर्स लोन वेयर लिव्ड अ बुलडॉग नेम्ड स्पाइक. तो वो फिर क्या करता है कि भागता भागता जो उसके पास वाले घर है उसके लॉन में चला जाता है जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो. और वहाँ पे एक डॉग रहता था जिसका नाम स्पाइक था. व्हेन टॉम रीच्ड देयर. जैसे ही टॉम वहाँ पर पहुँचा स्पाइक नोट्स हिम एंड रन आफ्टर हिम इन रेंज. रेंज मीन्स गुस्सा. यानी कि वो वहाँ से गुस्से में उसके पीछे जैसे उसको पता लगता है भी यहाँ पर कोई आया है नोटिस करता है तो उसके पीछे वो लग जाता है. ही वॉज डिसअप्रूविंग ऑफ कैट्स. तो उसने कैट को डिसअप्रूव कर देता है. जेरी जंप्ड इनटू अ पोल इन द लॉन. और जेरी क्या करता है कि वहाँ पे जंप करता है जो उनके लॉन में एक पोल है. स्पाइक कैप्ट रनिंग आफ्टर टॉम. और वो टॉम के पीछे एंडलेसली लगातार उसके पीछे भागता रहता है. जेरी इंजॉयड द प्ले एज यूजुअल. टॉम को बहुत बुरा लगता है लेकिन जेरी इस चीज़ को बहुत मज़े से इंजॉय वो करता है इस प्ले को. Now our lesson is completed. I hope you will understand this lesson properly. So thanks and have a nice day.